दोस्तों ओसीडी को ठीक करने का सीबीटी का एक 4R फॉर्मूला मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। रियल केस है, रियल एग्जांपल है, जिन्होंने इस 4R फॉर्मूले से अपनी ओसीडी को ठीक किया। बहुत अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं कि जिन्होंने अपनी ओसीडी को ठीक किया उनकी कहानी क्या है। दोस्तों ये जो कहानी है ये 28 ईयर ओल्ड मेल की कहानी है। बेसिकली ये जो मेल है इनके दिमाग के अंदर पिछले 4 सालों से जो इनकी सिस्टर है, जो इनकी बहन है, उनको लेकर नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अच्छा, किस तरह की नेगेटिव थॉट्स आती है, किस तरह के ऑब्सेशंस इनके दिमाग में आते हैं? इनके दिमाग में आते हैं कि जो इनकी बहन है उसकी तबीयत खराब हो जाए, उसकी तबीयत खराब हो जाए, उसके साथ में कुछ गलत हो जाए। उसकी नींद खराब हो जाए, इस तरह की जो थॉट्स हैं वो उनके दिमाग में आती है। उनको कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाए, इस तरह की जो थॉट्स हैं वो उनके दिमाग में आती है। और कई बार, मतलब जो पिछले 4 सालों के अंदर ऐसे कई बार इवेंट्स हुए हैं, कई बार ऐसे एपिसोड्स हुए हैं, यूँ समझ लिए 2-4 बार ऐसा हुआ है कि जो इनके दिमाग में थॉट आ रही है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हो गई। उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हो गई तो इनको और ज़्यादा डर लगने लग गया कि जो मेरे दिमाग के अंदर, जो मेरी सिस्टर को लेके जो थॉट्स आ रहे हैं, जिस तरह की थॉट्स मेरे दिमाग में रिपीट हो रही है, ये जो चीज़ें हैं, ये जो थॉट्स हैं, ये रियल हो रही है। अगर ये रियल हो रही है तो मेरी सिस्टर के साथ में कुछ खराब हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। मतलब मेरे दिमाग में जो थॉट आती है वो गलत थॉट आ रही है, उसके कारण उसके साथ में गलत हो रहा है। तो इन थॉट के लिए फिर यहाँ पर वो कंपल्शन क्या कर रहे हैं, कंपल्शन ये रहता है कि इस प्रकार के थॉट को कंटिन्यूसली रोकने की कोशिश की जाती है। लगातार लगातार ये क्या करते हैं कि अपने दिमाग में आने वाली इन थॉट्स को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि इनकी सिस्टर के साथ में, बहन के साथ में कुछ गलत ना हो जाए, और साथ ही भगवान से इसके बारे में माफी मांगते रहते हैं। ये इनका कंपल्सिव एक्ट है। तो यहां पर इस चीज को बहुत अच्छे समझिएगा। ये तो है इनके अंदर ऑब्सेसिव थॉट। तो इस ऑब्सेसिव थॉट के कारण ये इस ऑब्सेसिव थॉट को जब भी स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, जो कि पूरे दिन स्टॉप करते रहते हैं, जैसे इसको स्टॉप करने की कोशिश करते हैं तो इस स्टॉप करने के कारण इनको बहुत ज्यादा एंजाइटी फील होती है, बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। तो उसके लिए फिर ये भगवान से माफी मांगते हैं कि भगवान मुझे माफ करना कि मेरे मन में इस तरह की थॉट्स आ रही है अपनी सिस्टर को लेकर। ये है इनका कंपल्शन। तो यहां पर इसको किस प्रकार से ठीक किया गया, इसके अंदर जो टेक्निक यूज हुई वो टेक्निक है 4R फॉर्मूला ऑफ सीबीटी। ये जो सीबीटी का 4R फॉर्मूला, ये क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझिएगा। सबसे पहला जो R है, सबसे पहला जो R है वो R किसके लिए है, वो है कि ये जो पूरी की पूरी जो प्रॉब्लम है उसके रूट कॉज को समझना, उसकी जड़ को समझना, उसके जो थॉट जो हमारे दिमाग में आ रहा है उस थॉट का ओरिजिन क्यों हुआ होगा हमारे दिमाग में, उसके ओरिजिन को बहुत अच्छे से समझना।
दोस्तों जब हम उसके ओरिजिन को बहुत अच्छे समझ लेते हैं तो हमारा मन जो है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, हमारा मन है वो थोड़ा शांत हो जाता है। अच्छा, इसके ओरिजिन को समझने से क्या मतलब है कि बेसिकली हमारे अंदर इस तरह के थॉट्स क्यों पैदा हुए होंगे। सबसे पहले तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना, यहाँ पे हमसे क्या मिस्टेक हुई है इसको समझिएगा। दोस्तों अक्सर हम लोग हमारे आसपास जो लोग होते हैं उनको ऑब्जर्व करते रहते हैं, उनसे हमारी लर्निंग होती रहती है, उनसे हम लोग सीखते रहते हैं। हमारी जो लर्निंग है वो दो तरह की होती है, एक्टिव, एक तो हम अपनी तरफ से सीखते हैं, और दूसरा पैसिव, जो एनवायरनमेंट हमें सिखा देता है। तो हम हमारे आसपास के लोगों को जो देख रहे होते हैं उनके अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो जब किसी बात को लेके गुस्सा होते हैं या किसी से किसी बात को लेके नाराज होते हैं या सामने वाला जब इनके मन चाहा काम नहीं करता, तो उस स्थिति में हम लोग, चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर्स हो, चाहे हमारे रिलेटिव्स हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स हो, चाहे कोई भी हो, उस स्थिति में एक व्यक्ति है वो दूसरे के ऊपर क्या करता है, गुस्सा करता है। और उस गुस्से के अंदर हम लोग देखते हैं कि कई बार इस तरह के वर्ड्स यूज की जाती है, जैसे एब्यूजिव लैंग्वेज यूज की जाती है, या फिर कई बार हम इस तरह की बातें भी बोल देते हैं कि यार तू कुछ हो जाए तुझे, तू भाड़ में जा, या कुछ भी हो, इस तरह की हम लाइनें बोल देते हैं। तो ये जो लाइनें हैं जो हम हमारे आसपास वाले लोगों के लिए बोलते हैं, या हम कई लोगों को देखते हैं जो आपस में लड़ रहे होते हैं, जो गुस्सा कर रहे होते हैं, तो वहां से हमारे दिमाग में ये लर्निंग आती है। उस चीज को बेसिकली हम अपने ऊपर क्या कर लेते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं, मतलब एक गुस्से के सिचुएशन में किस तरह के थॉट्स होने चाहिए, ये हमारी लर्निंग हो रखी होती है। मतलब बचपन से अब तक जो हम लोगों ने सीख रखा होता है कि जब भी आप गुस्से में होते हो, जब भी आप एंगर में होते हो, तो वहां पर किस तरह का सिनेरियो क्रिएट होता है, ये हमारे दिमाग के अंदर होता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में गई हुई होती है, इसी इंफॉर्मेशन के कारण कई बार हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ में इस तरह के इवेंट्स हो जाते हैं, इस तरह की एक्टिविटी हो जाती है। जैसे इनके साथ में इस तरह की कोई पास्ट की एक्टिविटी हुई है जिसके अंदर क्या है कि इनके और इनके सिस्टर के बीच में किसी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा, मतभेद रहा होगा, सिस्टर ने इनकी कोई बात नहीं मानी होगी, तो वहां पे इन्होंने इसके ऊपर गुस्सा किया था। और गुस्से वाली सिचुएशंस में किस तरह के थॉट्स यूटिलाइज होते हैं, किस तरह की चीजें यूटिलाइज होती है, ये पास्ट लर्निंग से जनरलाइज कर ली गई। जब पास्ट लर्निंग से जनरलाइज हुई तो ऑटोमेटिकली अपनी सिस्टर के लिए दिमाग में क्या थॉट क्रिएट होने लग गए, एब्यूजिव लैंग्वेज स्टार्ट हो गई, उसके साथ में कुछ बुरा हो जाए, इस तरह की बातें हम वहां पर गुस्से के अंदर यूज कर लेते हैं। तो वहां पे इनके दिमाग में इस तरह की थॉट्स आनी स्टार्ट हुई। जैसा कि 4 साल पहले इनके साथ में एक इवेंट हुआ था, एपिसोड हुआ था, जिसमें इनकी सिस्टर के साथ में एक फाइट हुई थी, और उस दरमियान इन्होंने कुछ एब्यूजिव लैंग्वेज यूज की थी, और वो जब एब्यूजिव लैंग्वेज इन्होंने यूज की तो उसी के कारण ये किसमें चले गए, कॉन्फ्लिक्ट में चले गए कि अरे यार मेरे दिमाग में मेरे सिस्टर के लिए, मेरी फैमिली मेंबर के लिए इस प्रकार के थॉट किस क्यों आ रहे हैं, मेरे दिमाग में ये कैसे आ सकते हैं। जबकि यहाँ पर इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा कि हमारे आसपास जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उनसे रिलेटेड सारों की इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में जा रही है, और जो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में गई हुई है वही इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर थॉट्स क्रिएट करती है। तो सबसे पहला जो आर है वो आर क्या है कि जो हमारे दिमाग में थॉट आ रहे हैं उसके रूट को जानना कि ये सारा कुछ आ क्यों रहा है। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेन करना अपने आप को कि मेरी जो पास्ट की लर्निंग है बचपन से लेके अब तक की, उस लर्निंग के अंदर बहुत सारे एग्रेसिव मोमेंट्स के अंदर किस तरह का रिएक्शन होता है, उसकी मेरे अंदर एक्टिवली या फिर पैसिवली लर्निंग हो रखी है जिसके कारण ये थॉट मेरे दिमाग के अंदर रिपीट हो रहे हैं। बार बार अपने आप को ये बताना, मैंने कुछ चीज़ों को अपने ऊपर क्या कर लिया, जनरलाइज कर रखा, मेरी लर्निंग है इस कारण ये थॉट मेरे दिमाग के अंदर आ रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे इस थॉट के प्रति एक्सेप्टेंस होगा कि ठीक है ये लर्निंग का पार्ट है। अब जो चीज लर्निंग का है तो वो दिमाग में रिपीट होता ही होता है। तो ये तो है सबसे पहला आर कि हम अपनी जो थॉट है उसके रूट को बहुत अच्छे से जाने, बहुत अच्छे से समझे। जो दूसरा आर है वो आर किस लिए है, वो आर है कि जो थॉट हमारे दिमाग में आ रहा है जिसके कारण हमें डर लग रहा है,
उस थॉट की रैशनैलिटी को चेक करना, उस थॉट को वैलिडेट करना, उस थॉट की रैशनैलिटी को चेक करना, उस थॉट को वैलिडेट करना। अगर वो वैलिडेशन में थॉट सही है तो उसके फेवर में पॉइंट बताना, और अगर वो थॉट गलत है तो उसकी जगह मोर रियलिस्टिक मोर एडेप्टिव थॉट को यूज करना। तो यहां पर इस थॉट की रैशनैलिटी को चेक करने से क्या मतलब है कि यहां पर रैशनैलिटी ये, इस थॉट से डर क्यों लगने लगा? डर इसलिए लगने लगा क्योंकि इन्होंने जब ये बताया कि सर मेरे साथ में ऐसा हो रखा है कि जैसे मेरे दिमाग में थॉट आते हैं उसके अकॉर्डिंग मेरी सिस्टर के साथ में कई बार गलत हो रखा है। अच्छा कितनी बार गलत हो रखा है? 4 या 5 बार। अच्छा क्या क्या चीज़ों में गलत हुआ? सर जैसे कई बार मेरे दिमाग में थॉट आया तो मेरी सिस्टर की एक दो बार है वो नींद गड़बड़ हो गई, एक दो बार उसको जो उल्टी जैसे एपिसोड भी हो गए। तो ये पिछले 4 सालों में 1-2 बार हुए हैं। समझना जो मैं रैशनैलिटी या वैलिडेशन का प्रोसेस यूज कर रहा हूं यहां पर, कि पिछले 4 सालों के अंदर 1 या 2 बार या 3 बार या 4 बार, मान लीजिए 10 बार ऐसा हुआ होगा। तो यहां पर इस चीज को समझिएगा कि पिछले 4 सालों में 10 बार ऐसा हुआ है, जबकि इनके दिमाग में ये थॉट कितनी बार चलता है? इन्होंने मुझे बताया कि सर दिन में कम से कम 40 से 50 बार मेरे दिमाग में ये थॉट आता है। दिन में 40 से 50 बार इनके दिमाग में ये थॉट आता था। तो 40 से 50 बार थॉट अगर ये आता है, और ये बात है कि आपके दिमाग में जो थॉट आ रहा है, तो सच में अगर आपकी सिस्टर के साथ में ऐसा हो जाएगा तो एक दिन में 40 से 50 बार उनके साथ में दिक्कत होनी चाहिए थी। एक दिन में 40 से 50 बार उनके साथ में दिक्कत होनी चाहिए थी, जबकि उनके साथ में दिक्कत हुई कितनी बार? उनके साथ में दिक्कत हुई 8 से 10 बार। और कितने टाइम है? पिछले 4 सालों में। जबकि दिन में थॉट कितनी बार रिपीट होता है? 40 से 50 बार। अगर ऐसा है कि आपके थॉट के कारण ही सब कुछ हो रहा है तो उनके साथ में प्रॉब्लम कितनी बार होनी चाहिए थी? 40 से 50 बार उनके साथ में एक ही दिन में प्रॉब्लम होनी चाहिए थी। तो फिर सर आपकी बात अगर ये मान लूं कि ठीक है कि मेरी थॉट की वजह से ऐसा नहीं हो रहा, तो जब उनकी तबीयत 8 से 10 बार भी खराब हुई थी तो उस समय क्यों हुआ था? दोस्तों ये तो ह्यूमन लाइफ है, हमारा शरीर है, और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। अब मान लीजिए कि मेरे दिमाग में हर वक्त ये चल रहा है कि मेरे घर में किसी की नींद खराब हो, मेरे घर में किसी की नींद खराब हो, मेरे घर में किसी की नींद खराब हो, तो ये तो प्रोबेबिलिटी है कि 5-7 दिनों के अंदर किसी ना किसी की नींद तो गड़बड़ होती होती है। जब किसी की नींद गड़बड़ होती है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन वहां पर मैं अगर इस चीज को इस तरह से कोरिलेट कर लेता हूं कि उनकी जो नींद खराब हो रही है वो मेरे दिमाग में आए हुए थॉट के कारण खराब हो रही है, तो ये एक रॉन्ग इलॉजिकल कोरिलेशन। बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा, जो 8 से 10 बार इनके बहन की जो तबीयत खराब हुई थी वो एक नेचुरल प्रोसेस के तहत खराब हुई थी। नेचुरल है कि नींद खराब होती है, गड़बड़ होती है, 8-10 दिनों में हर किसी की हो जाती है, और गैस्ट्रिक इश्यूज भी होते हैं। वो एक सिर्फ और सिर्फ को इंसिडेंस था। ये को इंसिडेंस किस तरह से था इसको समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि एक मशीन है हमारे सामने, इस मशीन के अंदर 0 से 9 तक के अंक आते हैं। इस मशीन के अंदर रैंडमली 0 से 9 तक के अंक आते हैं, अब मान लीजिए कि हमारे दिमाग में एक अंक चल रहा है 5। कंटिन्यूसली हम 5 के बारे में सोचे जा रहे हैं कि इस मशीन में 5 आ जाए, इस मशीन में 5 आ जाए, इस मशीन में 5 आ जाए। तो यहां पर एक प्रोबेबिलिटी है कि ये 5 भी आएगा। टोटल नंबर कितने? 10 है, तो एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/10। 10% केसेस के अंदर इस मशीन के अंदर क्या आएगा? 5 नंबर आएगा, हमें दिखेगा। तो हम यहां पर यूं सोचेंगे, देखो ये 5 नंबर क्यों आया? क्योंकि मेरे दिमाग में 5 चल रहा था इसलिए ये 5 नंबर आ गया। ये तो कोइंसिडेंस है, इसके अंदर ये आने की प्रोबेबिलिटीज है। हमारी लाइफ में हमारे दिमाग में जो थॉट चल रहा है उससे रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटीज होती है वो प्रोबेबिलिटीज के अकॉर्डिंग हम कोरिलेट कर लेते हैं कि हाँ शायद मेरे दिमाग में थॉट आ रहा है इसका कारण ये हो रहा है। जबकि आपका थॉट एक इंडिविजुअल प्रोसेस है और आपके सिस्टर के साथ में जो हो रहा है वो इंडिविजुअल प्रोसेस है। मतलब आप यहां पर जो सोच रहे हो कि 5 नंबर आए, ये एक इंडिविजुअल प्रोसेस है। अगर आपके सोचने से 5 नंबर आना है तो वो 5 नंबर हमेशा आना चाहिए था, मतलब 100% केसेस के अंदर 5 ही आना चाहिए था। फिर वहां पर बार बार 0 क्यों आ रहा है? कभी 1 क्यों आ रहा है? कभी 2 क्यों आ रहा है? कभी 3 क्यों आ रहा है? कभी 4 क्यों आ रहा है? कभी 6 क्यों आ रहा है? 7 क्यों आ रहा है? 8 क्यों आ रहा है? 9 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये प्रोबेबिलिटीज है, चांसेस है कि 1/10% हिस्से में कौन आएगा? 5 नंबर ही आएगा। इस चीज को बहुत अच्छे समझिएगा कि जो आपकी सिस्टर की तबीयत खराब हुई है
वो को इंसिडेंटली खराब हुई है, ना कि आपके सोचने से खराब हुई है। तो इस थॉट को यहां पर हमने क्या किया, रैशनलाइज किया, इसको हमने वैलिडेट किया। ये है आपका सेकेंड आर। अब हम समझते हैं तीसरा जो आर है, तीसरा आर क्या है, नॉन रिएक्शन। तीसरा जो आर क्या है, हमारे दिमाग में जो भी थॉट आता है उस थॉट के प्रति हमें किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन शो नहीं करना होता। जो भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आ रहा है उस नेगेटिव थॉट के प्रति आप जितना भी ज्यादा रिएक्ट करते हो, उसको रोकने की कोशिश करते हो, या फिर उससे रिलेटेड आप जो गिल्ट फील कर रहे होते हो, ये दोनों ही चीज़ें क्या करती है कि हमारे दिमाग में उस थॉट की रियलिटी को मजबूत कर देती है। मतलब हमारा जो दिमाग है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो ये कंसिडर करने लग जाता है कि ये सब कुछ जो किया जा रहा है ये जानबूझ के किया जा रहा है, इंटेंशनली किया जा रहा है, और उसका पैटर्न हमारे दिमाग में और ज़्यादा मजबूत बनता है। मतलब आप इसको जितना रोकने की कोशिश करते हो, दिमाग में वो थॉट उतना ही ज़्यादा रिपीट होता है, उतना ही ज़्यादा मजबूत होता है, उसका पैटर्न और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और जब उसका पैटर्न स्ट्रांग होता है तो नेक्स्ट टाइम फिर से दिमाग में वो रिपीट होता है, हम फिर अपने आप को कहते हैं कि यार मैं तो इसको रोकने की इतनी कोशिश कर रहा हूँ और ये मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा चल रहा है, कब तक चलेगा सर? तो मैं क्या करूँ? करने का बहुत सिंपल तरीका है, कुछ मत करो, थॉट को आने दो, इस विचार को अपने दिमाग में आने दो, इसको रजिस्ट मत करो, इसको रोको मत। जितना ज़्यादा आप रजिस्ट करोगे दिमाग में, उसका उतना ही ज़्यादा पैटर्न्स बनेगा, पैटर्न से थॉट रिपीट होगा। रियल में कुछ नहीं होने वाला, ना तो आपकी सिस्टर के साथ में कुछ होने वाला है, ना आपके घर वालों के साथ में कुछ होने वाला है, वो तो जैसे जो होना है वो वैसे ही होना है। लेकिन हमारे दिमाग में ये जो थॉट का साइकिल है ये मजबूत हो जाएगा, तो ये थॉट बार बार रिपीट होगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें नॉन रिएक्ट वाला पार्ट यूज़ करना पड़ेगा। और जो लास्ट आर है, वो लास्ट आर क्या है, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन का मतलब क्या है कि ये जितनी भी साइकिल आपके दिमाग में रिपीट हो रही है, इस साइकिल के साथ में हमारे जो एंशियस इमोशंस हैं उनकी कंडीशनिंग हो जाती है। जो हमारे एंशियस इमोशंस हैं, जो एंजाइटी वाले इमोशंस हैं, जो घबराहट वाले इमोशंस हैं, उन सब की इसके साथ में क्या हो जाती है, कंडीशनिंग हो जाती है। तो उस कंडीशनिंग के कारण जब भी इस तरह का कोई भी थॉट लगता है तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है, डर लगने लग जाता है, बेचैनी होने लग जाती है। और ये जो घबराहट, ये जो डर है, ये हमारे दिमाग को और ज़्यादा डराता है कि यार अब ये धड़कन क्यों बढ़ रही है, अब ये सांस क्यों बढ़ रहा है, पेट में और गड़बड़ क्यों हो रही है। तो ये सारी चीज़ें रिपीट होने लग जाती है, ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। तो स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होता है, रिलैक्सेशन करना होता है। मतलब आपके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा है, तो इस चलने के साथ में आप अपने आप को क्या करते हो, रिलैक्स करते हो, आप अपने आप को शांत करते हो। जितना भी थॉट चल रहा है चलने दीजिए, बस अपने इस फॉर आर फॉर्मूले को याद करिए, फॉर आर फॉर्मूले को अपनी लाइफ में यूटिलाइज करिए, अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करिए। जो भी चल रहा है चलने दीजिए, आप तो जो अपना काम कर रहे हैं उस काम को बड़ी ही शांति के साथ में करिए, पूरे के पूरे रिलैक्स मोड में करिए। सर रिलैक्स मोड में करते हैं लेकिन दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट चलता है, दिमाग में बहुत ज़्यादा कचरा चलता है, उसको चलने दीजिए। आप उस कचरे को जितना हटाने की कोशिश करोगे वो उतना रिपीट होगा। कुछ मत करिए, अपना काम करिए, जो आप काम करना चाह रहे हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से करिए, उसको पूरे रिलैक्स मोड के साथ में करिए। जब आप पूरे रिलैक्स मोड के साथ में करोगे तो इन थॉट्स की और रिलैक्सेशन की, इन दोनों की आपस में क्या हो जाएगी, रिकंडीशनिंग हो जाएगी। और ये रिकंडीशनिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से रिप्रोग्राम करेगा। अगर दोस्तों आप ये CBT का जो 4R फॉर्मूला है अगर आप अपनी लाइफ में यूज़ करते हो, जो मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया, इसको अगर आप अपनी लाइफ में यूज़ करते हो तो आपकी OCD जो है ना वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। एक रत्ती भर हिस्सा भी OCD का आपके अंदर नहीं बचने वाला। OCD हो, चाहे पैनिक हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे एंजाइटी हो, किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी हो, ये 100% नॉर्मल हो जाती है। आप तो CBT को अपनी लाइफ के अंदर प्रॉपरली यूज़ करिए, पूरी तरह से नॉर्मलिटी आ जाएगी। दोस्तों हम लोगों ने CBT के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया हुआ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसमें A to Z अबाउट CBT और ये जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, ये जो 4R फॉर्मूला है, ये CBT का एक छोटा सा पार्ट है। CBT जो पूरा वृहद है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी हर प्रकार की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उससे पूरी तरह से निजात पा सकते हैं, पूरी तरह से अपने आप को दूर कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे
डिस्क्रिप्शन में। और आप अपने अगर दिमाग की फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं तो उस फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ के लिए दोस्तों हम लोगों ने एक माइंड टॉनिक जो हमारे दिमाग की फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ब्रेन के हार्डवेयर को मजबूत करता है, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और लीवर के लिए एक लीवर टॉनिक है जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप अपना जो फैटी लीवर है या फिर लीवर रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे हैं तो वो लीवर की जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।